खबर है हरियाणा से, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के 372 जांच अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, विज के अनेक और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई है, जो अपने कामकाज को लेकर चलत रवैया अपनाते हैं और अनेक मामलों की जांच पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, विज राज्य सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो बेबाक बयानबाजी और किसी भी स्तर पर कामकाज में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उनके ताजा कदम से यह साफ है कि वह पुलिस जांच प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। वैसे भी राज्य के इतिहास में 372 पुलिस कर्मियों का एक साथ निलंबन अपने आप में बड़ा वाक्य है। गृह मंत्री ने इस सख्त रवैये से उन सभी जांच अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए हैं जो मामले की जांच में ढुलमुल रवैया अपनाते हैं और लेट करते हैं। उन्होंने अपनी इस कार्रवाई के साथ ही एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रों के पुलिस उपाधीक्षकों को वे सभी 3,229 दर्ज मामलों की जांच पूरी करने के लिए स्थानांतरित के निर्देश दिए हैं और ना करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि लोगों को उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने पर मजबूर किया जा रहा है और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विज को जब तक ये पता लगा कि गत एक साल से 3,229 ऐसे मामले लंबित हैं जिनकी या तो जांच शुरू नहीं हो पाई है या फिर जांच लटकी हुई है। ऐसे मामले में मंत्री के बार बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद कोई सही और सटीक स्पष्टीकरण जांच अधिकारियों की ओर से न मिलने पर वह नाराज थे और ये कार्रवाई कर उन्होंने पुलिस विभाग को सख्त संदेश दिया है कि कामकाज में सुस्ती करते ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें, उन्होंने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को पत्र लिखकर कहा कि लंबित मामले को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 11 मई को पत्र लिखकर सूचना मांगी गई, जिन पर जांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।